दोस्तों आज मैं यहाँ पर लास्ट मिनट टिप्स देने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम्स आपके कल है, तो ये कल के एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना है ये यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों जो जो वीडियोस मैंने डाले हैं और अक्षय सर और मैंने दोनों मिलके जो वीडियोस डाले, उसका बेनिफिट तो आपको 100% होगा, जो जिसने भी वो वीडियोस देखे है, जिसने भी वो स्टडी किया है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर के लिए जब जाएंगे, पेपर जब स्टार्ट होगा, तब क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है। वहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। पेपर में जो लिखा है वो अच्छे से समझो और उसके आंसर्स दो। ओके, नेक्स्ट जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, 30 सेकंड और डिफरेंसेस, इसके जो वीडियो मैंने बनाए थे डिफरेंसेस 30 सेकंड के और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की, तो उसका ऑब्जर्वेशन मैंने वहाँ पर भी बताया था कि ऑब्जर्वेशन कैसा करना है। तो आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है और जो पेपर रहेगा वहाँ पर आपको लिख लेना है। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में जो जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए, जैसे कि 3 क्वेश्चंस होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, तो प्रोमिनेंटली जो दिखते हैं वही आपको आंसर में लिखने हैं। दोस्तों ये 2 टिप्स मैंने यहाँ पर दिए, फिर से बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशन कि जो क्वेश्चन है वहाँ ऑब्जर्वेशन करना है और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो नेक्स्ट अक्षय सर आपको बताएंगे। तो दोस्तों सर ने 2 टिप्स दी है कि ऑब्जर्वेशन अच्छे से करो एंड आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का जो बताया है वो आपको करना है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट जो टिप रहेगी मेरी तरफ से, देखो आप अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो पेपर मैथ से स्टार्ट करो, क्योंकि मैथ 10वीं लेवल का आने वाला है तो एग्जाम में काफ़ी ईजी मैथ रहेगा। तो 10th स्टैंडर्ड लेवल का है तो ईजिली आप 25-30 मार्क ग्रैब कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको लगता है कि मैथ्स में मार्क जा सकते हैं, तो मैथ्स लास्ट में रखो ताकि कॉन्फिडेंस लूज ना हो। पेपर में कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैथ्स होने के बाद, उसके बाद इंग्लिश आपने ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी इजी इंग्लिश आता है, इतना कोई टफ इंग्लिश नहीं पूछते हैं वो। अगेन 11th 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश ही पूछा जाता है, तो आपको अगेन काफ़ी इजीली मिल जाएंगे वो मार्क, आपको इजीली मिल जाएंगे। और उसके बाद में आके GK, एप्टीट्यूड, पजल, रिडल, ये जो सारे टॉपिक मैंने कराए थे तो वो आप देख सकते हो। क्योंकि क्या होगा, अगर आपको GK के क्वेश्चन नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस लूज होता है स्टूडेंट का, और कॉन्फिडेंस यहाँ मैटर करेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको लगभग लगभग 120-130 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 125 एग्जैक्टली बोला जाए तो 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सर ने बताया था कि ऑब्जर्वेशन अच्छे से करो, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। देखो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कैन नॉट बी फोल्डेड या फिर कैन बी फोल्डेड, इस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आपने कैन नॉट बी की जगह पे कैन बी पढ़ लिया या फिर कैन बी की जगह पे कैन नॉट बी पढ़ लिया, तो आपका मार्क 3 में कटेगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 0 मार्क मिल जाएगा, पर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है। दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुक्का लगाते समय, तुक्का एक ऑप्शन पकड़ के तुक्का लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट को जो बोलता हूँ कि ऑप्शन सी या फिर बी आपने ऑप्शन में तुक्का लगाना है, क्यों? क्योंकि सी और बी की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है तुक्के लगाने की। तो आप ये जरूर कर सकते हो कि क्वेश्चन स्किप ना करके तुक्का लगा के आ जाओ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये 3 टिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा वीडियो, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों हमारे तरफ से फिर से बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से दो, शांति के साथ दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।